प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह तबारक व ताला ने इस पूरे कायनात को बनाया तो अल्लाह पाक ने इंसानों को पैदा करने से पहले कौन कौन सी मखलूकात को पैदा किया इस रूहे ज़मीन पर? इंसानों से पहले कौन कौन से मखलूक रहा करती थी? और इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन शैतान को कैसे पैदा किया? इस शैतान के माँ बाप कौन थे? और हमारे इस रूहे ज़मीन पर सबसे पहले शैतान और फरिश्तों के बीच घमासान युद्ध किस वजह से हुई? और शैतान अजाजील से इबलीस कैसे बना? प्यारे दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब कुरान और हदीस के रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, और साथ ही शैतान मर्दूद की खौफनाक तारीख के बारे में भी आपको बताएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, हजरत आदम अलैहि सलाम के वजूद से पहले अल्लाह पाक ने सिर्फ दो मखलूक को पैदा किया, एक नारी और दूसरा नूरी। नूरी मखलूक फरिश्तों को कहा जाता है, जिनको अल्लाह पाक ने नूर से पैदा किया। इस नूरी मखलूक की नस्ल नहीं बढ़ती, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला ने नूरी मखलूक के जोड़े पैदा नहीं किए, जिस वजह से फरिश्तों की औलाद पैदा नहीं होती। और दूसरी नारी मखलूक जिनको आग से पैदा किया गया, वो जिन्नात थे। रिवायत में आता है कि जिन्नात में सबसे पहले समहून जिन को पैदा किया गया। अल्लाह पाक ने समहून जिन को पैदा करके जमीन पर भेजा और उसके लिए जिन लड़की को भी पैदा फरमा दिए। इस तरह उस जिन ने इस लड़की से शादी कर ली, जिनसे उनकी नस्ल खूब बढ़ी और ये जिन्नात इतने ज़्यादा हो गए कि पूरे रूहे ज़मीन पर फैल गए। शुरू शुरू में ये जिन्नात फरिश्तों की तरह हर वक्त अल्लाह तबारक व ताला की इबादत में मसरूफ रहा करते थे, और बाद में जिन्नात ने अल्लाह पाक की नाफरमानियाँ करना शुरू कर दी और अल्लाह पाक के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से नारी मखलूक अल्लाह पाक के नाफरमान मखलूक बन गई। जिन्नात में से एक नामी ग्रामी जिन, जिनका नाम चलीपा था और उसके बीवी का नाम तबलीस था, ये दोनों बहुत ही लंबे और बहादुर थे। कहा जाता है कि चलीपा जिन की शक्ल सूरत खूंखार शेर की तरह थी, और तबलीस औरत जिसकी शक्ल भेड़ियों से मिलती जुलती थी। चलीपा जिन्नात सबका सरदार था, उनके नाम से बड़े बड़े जिन्नात खौफ खाते थे। इसलिए चलीपा और तबलीस औरत के मिलाप से एक बच्चा पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने अजाजील रखा। इन जिन्नातों में से ये पैदा होने वाला बच्चा अपने माँ बाप की तरफ बहादुर और लंबे कद कांठी का था। रिवायत में आता है कि हजरत आदम अलैहि सलाम के वजूद से 50,000 साल पहले या इससे भी कई अरसा पहले जिन्नात का इस रूहे ज़मीन पर राज था। इस रूहे ज़मीन पर हर तरफ जिन्नात ही जिन्नात थे। ये जिन्नात बहुत ही ज़्यादा शरारती थे, जो ये ज़मीन पर फितनों फसाद फैलाया करता था। इस तरह जब जिन्नात ने इस ज़मीन पर फसाद फैलाना और तबाही मचाना शुरू कर दी, तो उस वक्त अल्लाह पाक ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि ज़मीन पर जाओ और जिन्नातों को आगाह करो। इस तरह जब जिन्नात ने अल्लाह पाक की नाफरमानियाँ करने लगे और ज़मीन में फितना फसाद बरपा करने लगे, तो फरिश्ते अल्लाह पाक के हुक्म से ज़मीन पर उतरे। उन फरिश्तों ने जिन्नातों को हुक्म दिया कि अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है कि ज़मीन पर अमन व अमान से अपनी ज़िंदगी बसर करो, लेकिन जिन्नात ने फरिश्तों की बात मानने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से जिन्नात और फरिश्तों के बीच बहुत बड़ी जंग हुई। इस खौफनाक जंग में अजाजील के माँ बाप यानी चलीपा और तबलीस भी शामिल हुई। इस जंग में अल्लाह तबारक व ताला के फरिश्ते जिन्नात पर काबू पा गए। इस जंग के दौरान बहुत सारे जिन्नात मारे गए, जिनमें अजाजील के माँ बाप भी शामिल थे, और बाकी शैतान जिन्नात को अल्लाह पाक के हुक्म के मुताबिक कैद कर लिया गया। इन कैदियों में अजाजील भी शामिल था। फरिश्ते जब उन जिन्नातों को कैद करके आसमान की तरफ ले गए, तो शैतान भी उन कैदियों के साथ चला गया। इस तरह जब अजाजील फरिश्तों के साथ आसमानों पर चला गया, तो फरिश्तों को हुक्म मिला के अजाजील की बेहतरीन तरबियत की जाए और उसकी अच्छी पालन पोषण की जाए। फरिश्तों ने अजाजील को इबादत करने के बेहतरीन तरीके सिखाया, जिसकी वजह से अल्लाह पाक का एक इबादत गुजार बंदा बन गया।
इस तरह अजाजील ने अल्लाह पाक की इबादत करना शुरू कर दी और अल्लाह पाक के बारगाह में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। इस दौरान अजाजील बहुत ही काबिल और अकलमंद बन गया। उस वक्त अल्लाह पाक ने अजाजील को फरिश्तों पर उस्ताद मुकर्रर कर दिया। अजाजील फरिश्तों को तालीम देने लगा और फरिश्ते अजाजील के पास आते और इल्म हासिल करते। फरिश्ते अजाजील को नेक और परहेजगार कहा करते थे। हजरत काब बिन अकवा रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि अजाजील 40,000 साल तक जन्नत का खजांची रहा और 80,000 साल तक वो फरिश्तों के साथ रहा और 20,000 साल तक अजाजील फरिश्तों को तालीम व तरबियत देता रहा। इसका मुकाम अल्लाह पाक की बारगाह में इतना ज्यादा हो गया कि अल्लाह पाक के सबसे चहीते फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम और हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम भी अजाजील से तालीम व तरबियत हासिल किया करते थे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला पूरे ब्रह्मांड का हकीकी मालिक है। उससे कोई भी चीज पोशीदा नहीं है। अल्लाह पाक को इस बात का इल्म था कि ये अजाजील एक दिन मेरे हुक्म को झुटला देगा और इसका खात्मा कुफ्र पर होगा। तब एक दिन अजाजील का गुजर लौहे महफूज के करीब से हुआ तो अजाजील लौहे महफूज पर देखा जिस पर लिखा हुआ था कि मैं शैतान मर्दूद से अल्लाह पाक की पनाह मांगता हूँ। इस लिखावट को पढ़ने के बाद तकरीबन 2000 साल तक अजाजील रोता रहा और अल्लाह पाक की इबादत में मसरूफ रहा। अजाजील अल्लाह पाक की बारगाह में ये सवाल करने लगा, या रब्बुल आलमीन, इतना बड़ा शैतान मर्दूद कौन है जिससे पनाह मांगी जा रही है? अजाजील के सवाल का जवाब देते हुए अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि मैंने एक बंदे को अपनी हर नेमत से नवाजा है। वो बंदा एक दिन मेरे हुक्म को मानने से इनकार करेगा जिसकी वजह से उसकी सारी इबादत जाया हो जाएगी और वो शैतान बन जाएगा। अल्लाह पाक का ये फरमान सुनने के बाद अजाजील हर वक्त ये सोचता रहता कि वो शैतान मर्दूद कौन होगा। फिर अजाजील ने अल्लाह पाक से कहा, या रब्बुल आलमीन, मैं उस शैतान मर्दूद से मिलना चाहता हूँ। तो उस वक्त अल्लाह पाक ने अजाजील को फरमाया कि तू जल्द ही उस बंदे को देख लेगा। अल्लाह पाक का ये फरमान सुनने के बाद शैतान कई हजार साल तक अल्लाह पाक की इबादत में मसरूफ रहा। फिर इसके बाद अल्लाह पाक ने फरिश्तों में ये ऐलान किया कि मैं जमीन पर अपना खलीफा मुकर्रर करने वाला हूँ। अजाजील को जब इस बात का पता चला कि अल्लाह पाक एक ऐसे इंसान को पैदा करने जा रहा है जिसके पुतले को बनाने के लिए आसमानों और जमीनों से मिट्टी को इकट्ठा किया जा रहा है। जब अल्लाह पाक ने हजरत आदम अली सलाम के पुतले को पैदा किया तो उस पुतले को वैसे ही 40 साल तक रहने दिया और इसमें जान न डाली। इसलिए जब फरिश्ते हजरत आदम अली सलाम के पुतले के करीब से होकर गुजरते तो बहुत ही हैरत जदा होकर उसको देखते, और जब अजाजील का गुजर हजरत आदम अली सलाम के पुतले के करीब से होता तो ये नफरत की वजह से हजरत आदम अली सलाम के पुतले को अजियत देता, क्योंकि अजाजील ये समझता था कि अल्लाह पाक का खलीफा बनने के लायक सिर्फ मैं ही हूँ। इसलिए जब अल्लाह पाक ने हजरत आदम अली सलाम को पैदा फरमाया और उसके अंदर रूह दाखिल कर दी तो उस दिन अल्लाह तबारक व ताला ने सब फरिश्तों को हुक्म दिया कि सब मेरे पास इकट्ठे हो जाओ। जब सारे फरिश्ते अल्लाह पाक के बारगाह में हाजिर हो गए तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैं जमीन पर अपना एक बंदा पैदा करने वाला हूँ जो जमीन पर जाकर मेरी हुक्म की तामील करेगा। तो उस वक्त फरिश्तों ने अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज की, या रब्बुल आलमीन, ये बंदा जमीन पर जाकर तेरा नाफरमान हो जाएगा। हम तो हर वक्त तेरी इबादत में मसरूफ रहा करते हैं। तो अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, जो कुछ मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख सकते। उस वक्त सब फरिश्तों को हुक्म मिला के हजरत आदम अली सलाम को सजदा करो तो तमाम फरिश्ते अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म के मुताबिक हजरत आदम अली सलाम को सजदा करने के लिए झुक गए। लेकिन अजाजील ने हजरत आदम अली सलाम को कुफ्र और अहंकार की वजह से सजदा नहीं किया। तो उस वक्त अल्लाह पाक ने अजाजील से पूछा कि तुमने सजदा क्यों नहीं किया? उस वक्त अजाजील ने अहंकार और गुरूर में आकर बोलने लगा, ए रब्बुल आलमीन, तूने मुझे आग से पैदा किया और इस पुतले को मिट्टी से पैदा किया। मैं इस मिट्टी के पुतले से कई दर्जे बेहतर हूँ। अल्लाह तबारक व ताला ने अजाजील से कहा, यहाँ से चला जा, तू शैतान मर्दूद हो चुका है, तुम पर क्यामत तक मेरी लानत होती रहेगी। उस वक्त अजाजील को इस बात का इल्म हुआ कि लोहे महफूज पर जिस शैतान का जिक्र था वो दर हकीकत मैं ही हूँ। इस तरह जब अजाजील अल्लाह पाक की नाफरमानी की वजह से
शैतान मर्दूत बन गया। तो शैतान मर्दूत अल्लाह पाक से कहने लगा, या रब्बुल आलमीन, मैं चाहता हूँ कि मुझे क्यामत तक जिंदा रहने की मोहलत दी जाए। तो अल्लाह पाक ने शैतान मर्दूत की बात मान ली और उसको क्यामत तक की मोहलत दे दी गई। उस वक्त शैतान मर्दूत अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज करने लगा, या रब्बुल आलमीन, मैं तेरे बंदे को तेरी राह से भटकाऊंगा और हर तरह से तेरे बंदे को तेरे हुक्म का नाफरमान बनाऊंगा और बहुत सारे तेरे बंदे मेरे शिकंजे में आकर तेरी नाफरमानी करेंगे और गुनाहों के अंदर शामिल हो जाएगा। उस वक्त शैतान मर्दूत को अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया कि तू मेरे बंदे को मेरी राह से भटकाएगा और मेरी नाफरमानियों के अंदर मुब्तिला करेगा। तू जान ले शैतान, मेरी रहमत बहुत बड़ी है, मैं अपने फजलो करम से अपने बंदे को माफ करता जाऊंगा। प्यारे दोस्तों, इस तरह गुरूर और तकब्बुर की वजह से अजाजील शैतान मर्दूत बन गया और अल्लाह पाक ने लानत का तौक उसके गले में डालकर उसको आसमान से नीचे फेंक दिया और शैतान मर्दूत हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह पाक की रहमत से महरूम हो गया। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि जब कुर्बे क्यामत दूसरा सुर फूंका जाएगा तो उस वक्त अल्लाह तबारक व ताला शैतान मर्दूत को बहुत ही दर्दनाक मौत फरमाएगा और इसके बाद शैतान मर्दूत को हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम लोगों को हमेशा अपनी फरमाबरदारी में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। तो प्यारे दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताएं कि शैतान मर्दूत अजाजील के माँ बाप का क्या नाम था, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।